नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, गाय का जो खटाल होता है, हम खटाल में आए हुए हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए। अब कौन सा सांप है, कौन सा नहीं, अब यहाँ के लोग हमें कह रहे हैं सांप गाय का पैर छान कर दूध पी रहा था, क्या सच्चाई है क्या नहीं, चलिए आज हमारे मुहिम का हिस्सा बना है हमारे दोस्त आयुष सिंह, और चलिए दिखाते हैं सांप कौन सा है। ऐसे में दोस्तों, खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकते हैं। चलिए चलिए, कौन सा करे हाँ। दोस्तों, भारत का सबसे घातक सांप इसे ही हम लोग कहते हैं। हालांकि ये जहरीला नहीं होता, लेकिन काटने के बाद इतना ज़्यादा लोग डर जाते हैं, हार्ट अटैक से, पैनिक से उनका मृत्यु हो जाता है। क्योंकि ये सांप को हम लोग पानी के सीजन में ज़्यादातर देख पाते हैं, इसी को हम लोग चैक्रेट किलबैक के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग ढोंढ के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर ये पानी में ही रहता है, लेकिन पैर जब दब जाता है तभी ये काटता है, अन्यथा कोई सांप कभी भी ऐसे बाइट नहीं करता है। जब तक सांप के साथ छेड़छाड़ ना हो, बदतमीजी ना हो, तब तक सांप तो काटता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब रेस्क्यू करना, ढोंढ हो या फिर धामिन हो, चलिए आप रेस्क्यू कीजिए आज। शायद आपने देखा होगा कुआं में निकला सांप, जान जोखिम में डाल कर यही जो शख्स है वो सांप कर सांप को निकाले। ठीक है, युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया जाता है, सांप को टच करने का कोशिश ना करें, क्योंकि टच करने का आगे आप लोग 4-5 LIC करवा लें, क्योंकि इसके काटने पर आदमी पानी तक नहीं मांगता है। जहरीला सबसे घातक सांप ही होता है, ऐसे में घातक नहीं होता, लेकिन अगर काट ले, छेड़छाड़ कर दे, तभी ये आपके लिए घातक बन जाता है। बाबला दिख रहा तेरा, चलिए निकाली चलिए आइए, पकड़िए, आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा देखने दीजिए, पहले रुक जाइए। तो दोस्तों देखिए, देखिए इसी को हम लोग चैक्रेट किलबैक के नाम से जानते हैं, और चैक्रेट किलबैक का जगह एक नया सांप आ चुका है, इसी तरह देखने में नेट चैक्रेट किलबैक वो जहरीला होता है, हालांकि ये थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है। चलिए हम आज रेस्क्यू नहीं करेंगे, झूना जी रेस्क्यू करेंगे, इसे पकड़िए, पकड़ दिए, छोड़ दें सांप को, टच करने का, छूने का, छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करें, क्योंकि प्रयास करने के आगे आप लोग ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग ही एकमात्र इसका उपाय है। और कभी भी अगर आपको सांप काट ले, हमें सांप काट ले, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सरकारी सदर अस्पताल की ओर, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूक से आज तक किसी का जान ही नहीं बच पाया है, यही एक सच्चाई है। अगर जान बच पाता तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर का जगह ओझा गुनी को बैठा दिया जाता, झाड़ फूक से किसी का जान नहीं बच पाया है। उतना बड़ा कोरोना आया, कोरोना में इतना आदमी मरा, झाड़ फूक नहीं बचा पाया, डॉक्टर ही बचा रहे थे, इसीलिए कहते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए मत जाइए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि बेल बटन प्रेस करने से सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक तो दोस्तों पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।
और ये जैसे सांप को पकड़ रहे हैं, ये इसको थोड़ा बहुत आता है, और जहरीला अगर रहता तो इसको पकड़ना हम नहीं देते। ये ढोंग सांप है, थोड़ा सा भी जहर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम छूने भी दे रहे हैं। आप लोग ऐसा करने का कोशिश ना करें, आप लोग करने का कोशिश करते हैं तो खतरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।